ये भ्रष्टाचारी रक्षा सुलह समिति है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जड़ है और देवताओं के स्थान पर राक्षसों की तरह तेलंगाना को लूटने का काम ये सरकार कर रही है। और क्या ये सच्चाई नहीं है कि यहां के ये धर्मी पोर्टल के नाम से गरीब लोगों की धरती और जमीन को हड़पने का काम, हड़पने का काम किया है तो ये तेलंगाना की सरकार ने किया है। उसी तरीके से ये जो हमारी कॉन्स्पिरेसी चलती है गरीब आदमियों के जमीन को, अच्छी जमीनों को किस तरीके से हड़पा जाए और गरीब किसानों को जो हल्की जमीन है उसको देने का काम ये सरकार कर रही है। उसी तरीके से टीआरएस ने जो प्रोजेक्ट लगाए, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है अपना ये कालेश्वरम का, ये प्रोजेक्ट भी केसीआर के लिए एटीएम है। एटीएम 32 और 38 हजार करोड़ रुपए का जो 38 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, ये आज 1,20,000 करोड़ रुपए का बना दिया। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ब्रिज है वो भी नीचे आ गया और लगभग भ्रष्टाचार की एक निशान बनी है तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनी है। मैं वायदा करता हूं हमारी सरकार बनेगी, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और दोषियों को जेल के पीछे डालेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास के साथ बताऊंगा।